हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज जो हम वीडियो कर रहे हैं उसका टाइटल बोलने से पहले, यस फ्रेंड्स, न्यू हो और सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले जैसे हम उन्हें अपलोड करें। और वीडियो अगर देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो अब देखते हैं टाइटल क्या है। तो टाइटल है माँ, डॉक्टर सुनील जोगी की बेहतरीन कविता एक बार जरूर सुने, मोस्ट ब्यूटिफुल पोएम ऑन माँ। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली में तो फादर्स डे आ रहा है पर हम मदर की पोएम पढ़ रहे हैं। पर यस, अगर आपके पास कोई अच्छी फादर्स की हैं, कोई वीडियोस या कुछ इस टाइप से, तो जरूर शेयर करना क्योंकि फादर्स डे आ रहा है तो डेफिनेटली उसको देखना बनता है। और अच्छे अच्छे सजेशंस भेजना ताकि इतने सारे सजेशंस हो जाए कि हमें समझना है कौन सा करना है पहले। तो चलो फ्रेंड्स, आज देखते हैं मार्क पे ये सुंदर सी कविता। मिला ना प्यार जिसे माँ का, उम्र भर उसको हर एक चेहरे में बस माँ दिखाई देती है। रब पे हम पर करम नहीं होते, माँ ना होती तो हम नहीं होते। माँ से अच्छी मेरे भगवान की सूरत ही नहीं, माँ है मौजूद तो मंदिर की जरूरत। रास्ता से बड़ी जंजीर नहीं होती है, जिगर से बढ़ के कोई पीर नहीं होती है। कोई भगवान हो, रहमान या सुल्तान कोई, माँ से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं होती। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुनील जोगी। मेरी कविताओं को मिले आपके बेशुमार प्यार का बहुत बहुत आभार। भगवान ने जब सोचा कि वो हर घर में नहीं रह सकता तो उसने माँ बनाई और अपने प्रतिनिधि के रूप में हर घर में भेज दी। जरा सोचे कि माँ हमारे जन्म के समय क्या क्या कष्ट उठाती है, अपनी जान तक दांव पर लगाती है, कैसे कैसे हमें पाल पोस कर पड़ा करती है और हम बड़े होकर माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उनकी सेवा करने से बचते हैं, कई बार उन्हें वृद्धाश्रम तक छोड़ाते हैं। मेरा निवेदन है, यदि आपके माता पिता जीवित हैं तो उनकी भरपूर सेवा करें, उनके आशीष लेकर घर से बाहर निकले। और अगर देह रूप में विद्यमान नहीं है तो वर्ष में एक दिन उनकी स्मृतियों को समर्पित करें, उन्हें याद करके अपनी श्रद्धांजलि दें। आपका घर हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहेगा और आपके बच्चों में संस्कार आएंगे। मैं आपको माँ पर एक कहानी नुमा कविता सुनाता हूँ, और मुझे अपनी प्रतिक्रिया मेरे मेल आईडी sunil.jogi@gmail.com पर जरूर भेजें। संपूर्ण मातृशक्ति को सादर प्रणाम सहित आपका सुनील जोगी। जब आप उठी तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था। उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके आंचल की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। हाथों से हालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने पुचकारा, हमको जी भर के प्यार किया। उसका राजा बेटा था वो आंख तारा कहती थी, मैं बनू बुढ़ापे में उसका बस एक सहारा कहती थी। उंगली को पकड़ चलाया था, पढ़ने विद्यालय भेजा था, मेरी नादानी को भी निज अंतर में सदा सहेजा था। मेरे सारे प्रश्नों का वो कौन जवाब बन जाती थी, मेरी राहों के कांटे चुनो मन गुलाब बन जाती थी। मैं कॉलेज से एक भोग कार लाने आया, जिस दिल में माँ की मूरत थी वो राम कली को दे आया। चाबी की पति से बाप बना, अपने रिश्तों में झूल गया, अब करवा चौथ मनाता हूँ माँ की ममता को भूल गया। हम भूल गए उसकी ममता, मेरे जीवन की खाती थी, हम भूल गए अपना जीवन वो अमृत वाली छाती थी। हम भूल गए वो खुद भूखी रह करके हमें खिलाती थी, हमको सूखा बिस्तर देकर खुद की लेने सो जाती थी। हम भूल गए उसने ही होठों को भाषा सिखलाई थी, मेरी नींदों के लिए रात भर उसने डोरी गाई थी। हम भूल गए हर
पर उसने डाटा समझाया था, बच्चा वो बुरी नजर से चालाकी का सदा लगाया था। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए, बदले में तुमने पा लिए बाबू बंधन छुड़ाए। उसके सुहाग के आभूषण तक छीन लिए, अम्मा को करके बंटवारे की अभिलाषा तक ले आए, उसको पावन मंदिर से गाली की भाषा तक ले आए। माँ के ममता को देख मौत भी आगे से हट जाती है, गर्मा अपमानित होती धरती की छाती फट जाती है। घर को पूरा जीवन देकर बेचारी माँ क्या पाती है, भूखा सूखा खा लेती है, पानी पी कर सो जाती है। जो माँ जैसी देवी घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं, वो लाखों पुण्य भले कर ले इंसान नहीं बन सकते हैं। माँ किसको भी जल दे दे वो पौधा बंगल बन जाता है, माँ के चरणों को छू कर पानी गंगा जल बन जाता है। माँ के आंचल के युगों युगों से भगवानों को पाला है, माँ के चरणों में जन्नत है गिर जाकर और वाला है। माँ कबीरा की साखी जैसी माँ तुलसी की चौपाई है, मीरा बाई की पदावली खुशरो की खबर दुबाई है। माँ आंगन की तुलसी जैसी पावन बरगद की छाया है, माँ वेद ऋचाओं की गरिमा माँ महाकाव्य की काया है। माँ मान सरोवर ममता का माँ गोमु की ऊंचाई है, माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है। माँ हरी धूप है धरती की, माँ केसर वाली क्यारी है, माँ की उपमा केवल माँ है, माँ हर घर की पुलवारी है। माँ को सुरहर कण करते जब पूरी माँ नौरी गाती है, माँ जिस नौरी को छू लेती है वो मसान बन जाती है। माँ हंसती है तो धरती का दरवा दरवा मुस्काता है, देखो तो दूर क्षितिज अंबर धरती को शीश झुकाता है। माना मेरे घर की दीवारों में चंदा सी सूरत है, पर मेरे मन के मंदिर में बस केवल माँ की मूरत है। माँ सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा अनुसुईया मरियम सीता है, माँ बावन था मेरा वचरित मानस है भगवत गीता है। अम्मा तेरी हर बात मुझे वरदान से बढ़कर लगती है, तेरी सूरत मुझको भगवान बढ़कर लगती है। सारे तीरथ के पुण्य जहाँ मैं उन चरणों में लेता हूँ, जिनके कोई संतान नहीं मैं उन माओ का बेटा हूँ। हर घर में माँ की पूजा हो मैं सत्संग कर उठाता हूँ, मैं दुनिया की हर माँ के चरणों में ये शीश झुकाता हूँ, मैं दुनिया की हर माँ के चरणों में ये शीश झुकाता हूँ। तो फ्रेंड्स बहुत सुंदर कविता थी, पर डेफिनेटली माँ के ऊपर बोली थी, पर ऐसी कई चीज़ें जो इन्होंने बोली वो मेरे पापा ने भी की हुई है। जैसे वो कह रहे थे ना, सूखे पे सो के माँ सुलाती है, मेरे तो पापा ने भी ये सब किया हुआ है। और मुझे इससे ये याद आ रहा था कि पापा जो हैं, जब मुझे बहुत बीमार हो गई थी तो रात रात भर मतलब मेरे को अपने बाजू के नीचे रखकर खुद नहीं सोते थे और मुझे कम्फर्ट रखने के लिए करते थे। तो ये कहना ठीक नहीं होगा खाली माँ करती है, पापा भी करते हैं। पर ये है कि माँ आपको जन्म देती है, ज़्यादा कष्ट सहती है और माँ माँ ही होती है। पर बहुत सुंदर बोला, बहुत ही अच्छा। इसको सुन के मुझे अपनी मम्मी याद आ गई है, तो मैं इसके बाद अपनी मम्मी को कॉल करूँगी। आप लोग तो खुशकिस्मत हो कि अगर आप लड़के हो और इंडिया में ही हो तो आपके पास अपनी माँ होगी। अब हम बेचारी लड़कियों का तो ये इतना उन्होंने बनाया हुआ है, पता नहीं किसने रिवाज बनाया कि आपको घर छोड़ के आना पड़ेगा। तो हमारी किस्मत थोड़ी ख़राब है, पर डेफिनेटली जो बेटियां होती हैं वो पापा के साथ ज़्यादा होती हैं, और मेरे ख्याल से बेटे जो होते हैं अपनी मम्मी के साथ ज़्यादा होते हैं। पर माँ का प्यार जो होता है वो और कोई नहीं दे सकता। तो इतना सुंदर बोला इन्होंने, दिल को छूने वाली कविता बोली। पर ये डेफिनेटली जो ये म्यूज़िक था, ये मुझे मैंने कहीं सुना हुआ है, तो मुझे लग रहा है ये किसी म्यूजिक के, वो म्यूजिक के ऊपर उन्होंने ये कविता बोली हुई है,
ये कहीं मैंने सुना हुआ है, या तो ये किसी भजन का म्यूजिक है या कुछ है, बताना, मुझे स्ट्राइक नहीं हो रहा, अगर आपको बताओ। पर जो भी है, बहुत ही सुंदर था, इतना सुंदर बोला, इतना सुंदर म्यूजिक उन्होंने चूज किया, और इतना सुंदर एक एक वर्ड थे, और जो वर्ड्स वो बताए कि भाई आप कुत्ता पाल लेते हो और माँ को आप आश्रम में भेज देते हो, हमारा कल्चर ये नहीं कहता, तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई करेगा नहीं इंडिया में, तो मान नहीं सकती मैं तो। पर अगर कर रहे हैं तो होपफुली उनको इस कविता से कुछ ज्ञान मिलेगा और उनको रियलाइज होगा कि माँ की क्या, माँ बाप की जगह जो है वो आश्रम में नहीं है, आपके घर में है। तो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा। हाँ, तो काफी बहुत ही अच्छी पोएम थी, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से गाई है, जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक था और पोएम डिलीवरी जिस तरीके से हुई बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ही अच्छे शब्द यूज़ किए थे, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी है पोएम, तो बहुत ही वंडरफुल। मेरे को बड़ी खुशी है कि इनकी पोएम सुनने का मौका मिला है और अप्रिशिएट करने का मौका मिला है इनकी ग्रेट पोएम को, तो बहुत अच्छा लगा। और दूसरा जो है, मैं इसी चीज़ में बिलीव करता हूँ कि बच्चे अपने दोनों पेरेंट्स को इक्वली प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो गर्ल्स हैं वो अपने फादर को या जो बॉयज़ हैं अपनी मदर को, ऐसे में मैं बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को इक्वली प्यार करता हूँ, ऐसा कोई ज़्यादा कुछ नहीं, इक्वली मेरे में तो है, थोड़ा ज़्यादा है तो इनमें होगा। मैं तो बिलीव करता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को इक्वली प्यार करता हूँ, मेरे लिए दोनों इक्वल हैं, मतलब आप किसी के लिए भी अपनी जान दे सकते हैं, वो तो है, तो वो तो है, मगर इक्वल है बिल्कुल, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और सिमिलरली जो है, ये एक माइंड सेट होता है लोगों का कि किसी ने किसी को बोल दिया तो इंसान के माइंड में आ जाता है, जैसे एग्जांपल था साइकोलॉजी का कि बचपन से जब बच्चा पैदा होता है तो बोलते हैं अगर लड़का है तो ब्लू पहनेंगे, अगर लड़की है तो पिंक होना चाहिए, तो क्योंकि इस तरीके से माइंडसेट ही आपने कर दिया तो हर बच्चा बोलेगा हाँ मुझे ब्लू ही चाहिए, लड़की बोलेगी पिंक ही चाहिए, तो क्योंकि आपकी ये दिमाग में डाला गया है। उसी तरीके से किसी ने दिमाग में डाल दिया कि ऐसा है जी, जो गर्ल्स हैं फादर को ही करते हैं, ऐसा होता है, मेरे को तो ऐसा लगता है, मगर मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से तो ये है कि इक्वल प्यार है दोनों से, और दोनों पेरेंट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन अपने एरियाज में इमेंस होता है। जो भी हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेरे ख्याल से हर एक बंदा पेरेंट जो है अपने हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे आपका घर का सेटअप है, जो इंसान बाहर जाके पैसा कमा रहा है वो भी आपके लिए कमा रहा है, वो ना कमाए तो आप खत्म हो जाएंगे। सिमिलरली मदर भी जो खाना बनाने जो कर रही है, क्योंकि वो बाहर नहीं जा रही, वो घर का काम कर रही है, या जो बाहर जाती है वो बाहर भी जा रही है, घर का काम भी कर रही है। तो मेरे ख्याल से मेरी फैमिली में कहूंगा कि दोनों का इक्वल रिस्पेक्ट है, दोनों का इमेंस रिस्पेक्ट है, कोई ज़्यादा बड़ा ऊंचा कुछ नहीं, दोनों सेम है, पेरेंट्स की बहुत इज्जत है। और मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को भी ये रिलेट होगा कि पेरेंट्स में ऐसा कोई बड़ा नीचा नहीं होता, सिमिलरली लव होता है दोनों के लिए, जैसे पेरेंट्स को अपने हर बच्चे से इक्वल लव होता है। उनको कई बार लोग हैं उनके माइंड में डालते हैं तुम इससे ज़्यादा करते हो, ऐसा कुछ नहीं होता, हर पेरेंट जो है अपने किसी बच्चे को के लिए अपनी जान दे सकता है। अगर मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर कोई बोलते ना कि देखो मेरे को ये पसंद है, वो मेरे को वो इंसान पसंद है, तो मैं यही कहता हूँ अपने बच्चे को, यही कहता हूँ कि सिर्फ पेरेंट ही है, अगर कोई तुम पे गोली चला रहा होगा तो पेरेंट ही तुम्हारे आगे आएगा और कोई नहीं, किसी में दम नहीं होता। तुम्हारे इतने रिश्तेदार हैं, बहुत कम रिश्तेदार होंगे जो तुम्हारे लिए जान देंगे, मगर पेरेंट एक मिनट के लिए नहीं सोचता, कोई गोली मारेगा पेरेंट सबसे आगे बिना सोचे अपने बच्चे को बचाता। तो ये फर्क है, बच्चों को पता होना चाहिए कि पेरेंट पेरेंट होता है, उसको टाइम नहीं लगता सोचने के लिए, एक मिनट में वो स्पॉन्टेनियस अपने बच्चे की जान बचाता है, क्योंकि सांप आएगा इमीडिएटली पेरेंट्स उधर गिर जाएगा अपने बच्चे के ऊपर, बच्चे को बचाने के लिए, तो क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस डिसीजन होता है, वो सोचना नहीं पड़ता क्या करूं, और जो रिश्तेदार हैं वो उनको सोचना पड़ेगा करने से पहले, मगर पेरेंट नहीं सोचता, वो स्पॉन्टेनियस काम करता है। इसीलिए पेरेंट्स की जगह अलग होती है, वो बहुत ऊपर होती है। तो बहुत अच्छी पोएम है, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने बोली, बहुत खुशी हुई। और ये बोल रहे हैं डॉक्टर है, मुझे अगर ये डॉक्टर हैं तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने डॉक्टरी की है और उसके ऊपर से पोएम्स भी जबरदस्त बनाते हैं। हो सकता है वो हिंदी के डॉक्टर हो,
हाँ हो सकता है पीएचडी वाले डॉक्टर हो, मुझे पता नहीं, अगर पीएचडी के डॉक्टर हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर मेडिकल डॉक्टर हैं तो भी कमाल की बात है। तो फ्रेंड्स बताना अगर आपको नॉलेज हो कि इन्होंने डॉक्टरी किस में की है। तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर वीडियो था, और हमारा आप सबको बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने ये इतना सुंदर वीडियो सजेस्ट किया है। ऐसी सुंदर सुंदर वीडियो सजेस्ट करते रहो, हमें भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।